ऐसे नोड ने फायर किया जिसकी वजह से सिग्नल राइट एट्रियम में एंड लेफ्ट एट्रियम में आया. राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट किया. देन हमारा सिग्नल ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल्स, पुकुंजे फाइबर्स, इनके थ्रू हमारा वेंट्रिकुलर में आया. इसमें डिले हुआ जिसकी वजह से पहले हमारा एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन लिया, फिर हमारा वेंट्रिकुलर ने कॉन्ट्रैक्शन लिया. कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन लेते हैं, कैसे सिग्नल पास होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं. इनके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलेक्शन की वजह से हमारा ब्लड पंपिंग हुई, सर्कुलेशन हुआ, दैट इज कार्डिक साइकिल. कार्डिक साइकिल जनरेट हुई, हार्ट बीट जनरेट हुई. कार्डिक साइकिल क्या होती है? सिक्वेंस ऑफ इवेंट बिटवीन हार्ट बीट्स. हमारे वो सब इवेंट्स जो हमारे एक हार्ट बीट के स्टार्ट होने पर और सेकेंड हार्ट बीट के स्टार्ट होने के बिटवीन जो भी इवेंट्स होते हैं, दैट इज कार्डिक साइकिल. कार्डिक साइकिल क्या है? सिक्वेंस ऑफ इवेंट अकर बिटवीन द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट हार्ट बीट टू द नेक्स्ट हार्ट बीट. बिगनिंग हुई फर्स्ट हार्ट बीट की, उससे नेक्स्ट हार्ट बीट पे जाने पर इसको बोलते हैं कार्डिक साइकिल. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, दैट इज कार्डिक साइकिल. कार्डिक साइकिल समझने से पहले हमें टू टर्म समझनी होंगी, सिस्टॉल डायस्टॉल. सिस्टॉल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होना, हम समझ सकते हैं इसको CS से, कंप्यूटर साइंस CS. कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिस्टॉल और रिलैक्सेशन बचा, रिलैक्सेशन मीन्स डायस्टॉल. तो सिस्टॉल इज कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टॉल इज रिलैक्सेशन. समझते हैं अब कार्डिक साइकिल क्या होती है. ये हमारी है कार्डिक साइकिल. अब कार्डिक साइकिल कैसे, इसको कैसे समझेंगे देखते हैं. हमारा हार्ट है, हार्ट में फोर चैम्बर है, हमने रफ में हार्ट बनाया है, हार्ट में फोर चैम्बर है. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर. ओके, अब होता क्या है, ब्लड हमारा पहले राइट एट्रियम में आता है होल बॉडी से और लेफ्ट एट्रियम में आता है लंग से. ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, कभी ऐसा नहीं होता कि एक साइड चल रहा है एक साइड प्रोसेस नहीं हो रहा है, साइमल्टेनियसली दोनों साइड हो रहा है. राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकुलर में और लेफ्ट एट्रियम से आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर. ओके, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करते हैं. राइट वेंट्रिकुलर से हमारा ब्लड चला जाता है लंग में एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर से होल बॉडी में चला जाता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है. अब हमें कार्डिक साइकिल हम पढ़ते हैं वहां से जब हमारे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं. इट मीन्स एस एन नोड फायर कर चुका है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड वेंट्रिकुलर में आ गया है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अब वेंट्रिकुलर में जब ब्लड आ गया है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो. यहां से हम पढ़ते हैं कार्डिक साइकिल. ओके, तो हम कार्डिक साइकिल पढ़ते हैं लेफ्ट प्रोस्पेक्टिव से, सेम ऐसे ही चल रही है राइट में भी. ओके, अब क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड आ चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर ने कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में सिस्टोलिक प्रेशर बना, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिस्टोल, तो सिस्टोलिक प्रेशर बना. ओके, ये ग्रीन लाइन जो है वो शो कर रहा है वेंट्रिकुलर प्रेशर, ये जो ऑरेंज लाइन है ये शो कर रहा है एट्रियम प्रेशर. ओके, तो हमारा ये जो ग्रीन लाइन है ये इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई, ये हमारा प्रेशर है, ये ग्रीन प्रेशर, ग्रीन इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ मींस वेंट्रिकुलर में प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ. जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ तो एवी वॉल्व क्लोज हो गई. एवी वॉल्व कहाँ है हमारी, यहाँ पे और यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड की, तो हमारी एवी वॉल्व क्लोज हो गई, लेफ्ट एवी वॉल्व क्लोज हो गई. क्यों क्लोज हो गई, जिससे कि हमारा बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का एट्रियम में. एवी वॉल्व क्लोज हो गई, प्रेशर बढ़ता रहा, कॉन्ट्रैक्शन होता रहा वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हम यहाँ की बात कर रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता रहा, एवी वॉल्व हमारी बंद हो चुकी है, प्रेशर बढ़ता रहा, प्रेशर बढ़ता रहा, प्रेशर बढ़ता रहा. जब प्रेशर 80 पहुंच गया और हमारी जो यहाँ पे आउटा है जिसके थ्रू ब्लड जाएगा बाहर, आउटा में हमारी एसएल वॉल्व है, इसको एसएल वॉल्व बोल दो या हमारा आउटिक वॉल्व बोल दो. जब हमारा प्रेशर बढ़ता रहता है तो 80 जब प्रेशर पहुंच जाता है तो आउटिक वॉल्व ओपन हो जाती है, आउटिक वॉल्व ओपन हो जाती है और हमारा ब्लड बॉडी में जाना शुरू हो जाता है. क्यों, क्योंकि तारा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि अब हमारी आउटिक वॉल्व ओपन हो जाएंगी और हमारा ब्लड बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा. बट जब तक प्रेशर बढ़ रहा था 80 तक और हमारी एसएल वॉल्व भी क्लोज थी, एवी वॉल्व भी क्लोज थी,
एसएल वॉल्व भी क्लोज थी, एवी वॉल्व भी क्लोज थी, तो इसको बोलते हैं, इस पीरियड को बोलते हैं आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रेक्शन, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहा और कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रेक्शन। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रेक्शन, आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। ओके, अब 80 प्रेशर वैसे ही हमारी एसएल वॉल्व ओपन हो गई और ब्लड बाहर जाना शुरू हो गया, पर प्रेशर अभी भी बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड बाहर जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड बाहर जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड बाहर जा रहा है। 120 जब प्रेशर पहुंच गया, तो 120 हाईएस्ट प्रेशर होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर का, 120 प्रेशर पहुंचते ही हमारा प्रेशर कम होना स्टार्ट हो गया, ब्लड अब भी बाहर जा रहा है, पर जैसे ही 100 प्रेशर पहुंचा, तो अब हमारी aortic valve क्लोज हो गई। aortic valve क्यों क्लोज हो गई? aortic valve क्लोज हो गई क्यों क्लोज हो गई? क्योंकि अब उनको डर है कि बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए aortic valve क्लोज हो गई, क्योंकि प्रेशर कम हो चुका है, एक चीज प्रेशर से जा रही है और वो प्रेशर कम होता जा रहा है, तो बैक फ्लो होने का तो डर है, तो इसलिए हमारी aortic valve क्लोज हो गई। यहाँ पे aortic valve क्लोज हो चुकी है, हमारी एवी valve ऑलरेडी क्लोज है और aortic valve भी क्लोज हो गई, बट जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर है वो रिलैक्स ले रहा है, वो रिलैक्सेशन स्टेट में है, रिलैक्सेशन हो रहा है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम, आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन तो यहां भी हो रहा था, पर ब्लड बाहर जा रहा था, वॉल्यूम में डिफरेंस आ रहा था, बट इस फेस में ऐसा रिलैक्सेशन हुआ कि वॉल्यूम में भी डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि दोनों वॉल्व क्लोज है, रिलैक्स होता गया हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो रहा है पर वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसको बोला आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। अब हमारा वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो चुका है, जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो रहा था तो ये हमारी बंद थी, क्लोज थी, वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो रहा था, ध्यान से सुनना, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो रहा था तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फिल हो रहा था, कहां से? लंग से, वो लंग से ब्लड ले रही थी। जब हमारा ये रिलैक्सेशन पीरियड चल रहा था ना, आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन पीरियड चल रहा था, तो इस टाइम पे हमारा ब्लड कहां आ रहा था? लेफ्ट एट्रियम में आ रहा था, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा था। अब हमारा लेफ्ट एट्रियम में 100 ब्लड आ चुका है, अब एक पॉइंट आया जब हमारा एवी वॉल्व ओपन हो गई, क्यों? क्योंकि ये रिलैक्स हो चुकी है, अब कोई डर नहीं है बैकफ्लो का, अब हमारी एवी वॉल्व जो थी वो हमारी ओपन हो गई, एवी वॉल्व ओपन हो गई, तो जो हमारा ब्लड आया था ना लेफ्ट एट्रियम में, वो धपाक से गिर गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड गिर गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में 1/3 ब्लड तो आता है रैपिड फ्लो से, जब एवी वॉल्व एकदम से ओपन होती है तो रैपिड फ्लो होता है, 1/3 ब्लड, जितना भी वेंट्रिकुलर में ब्लड आता है उसमें से 1/3 ब्लड कहां से आया? हमारा रैपिड फ्लो से। हमें लगता था कि वो ब्लड कब आएगा? जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी, बट ऐसा नहीं होता, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने पर कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड आता है, बट उससे पहले भी वेंट्रिकुलर में ब्लड आ जाता है एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन लेने से पहले ही। 1/3 ब्लड आया रैपिड फ्लो से, किससे आया? रैपिड फ्लो से। रैपिड फ्लो क्या हुआ? क्योंकि जब हमारा ये आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन हो रहा था लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, तो हमारी ये बंद थी जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया था, बट जैसे ही हमारा एवी वॉल्व ओपन हुई तो ब्लड लेफ्ट एट्रियम का गिर गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। ओके, 1/3 ब्लड हमारा आया, 1/3 ब्लड हमारा आया डायस्टेसिस से। डायस्टेसिस क्या होता है? कि अब ब्लड तो लेफ्ट एट्रियम में कंटिन्यूसली आ रहा है, तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड ऐसा होगा जो यहाँ, क्योंकि ये ओपन है, जो यहाँ रुकेगा ही नहीं, जो लेफ्ट एट्रियम में रुकेगा ही नहीं, वो सीधा लंग से आएगा, लेफ्ट एट्रियम से होते हुए नीचे चला जाएगा, क्योंकि वॉल्व खुली हुई है, वो रुकेगा ही नहीं, तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर में चला जाएगा। तो 1/3 ब्लड ऐसा था जो कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर में चला गया डायस्टेसिस से, 1/3 ब्लड रैपिड फ्लो से गया क्योंकि वो ऑलरेडी एक्युमुलेट हो गया था, 1/3 ब्लड डायस्टेसिस से गया। अब जो हमारा कुछ अमाउंट ऑफ 1/3 ब्लड बचा, ये डायस्टेसिस से जा रहा है, ये हमारा किससे गया था? रैपिड फ्लो से गया था, ये डायस्टेसिस से जा रहा है। जो हमारा 1/3 ब्लड बचा वो जब जाएगा, जब हमारा एट्रियम में कॉन्ट्रेक्शन होना स्टार्ट होगा। तो मीन्स ये वो फेस है जब सब कुछ रिलैक्स स्टेट में है, क्यों? क्योंकि इससे पहले हमारा एट्रियम का कॉन्ट्रेक्शन हो चुका है, यहाँ वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रेक्शन हुआ, हमने वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रेक्शन से स्टार्ट किया हमारा ये कार्डिक साइकिल, यहाँ पे हमारी दोनों चीज रिलैक्स स्टेट में आ गई, एवी वॉल्व ओपन थी, ब्लड हमारा सीधा आ गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, कुछ कॉन्ट्रेक्शन नहीं हुआ है। बट अब जो हमारा 1/3 ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में बचता है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड किससे आता है? लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया हुआ होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड आता है,
तो लेफ्ट एट्रियम में अभी ब्लड बचता है क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन नहीं हुआ है, डायरेक्ट ब्लड आ गया अपने आप। बट अभी कॉन्ट्रेक्शन होगा तो उससे भी ब्लड आएगा, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से फुल ब्लड कहां पे आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आएगा। तो हमारा 100 ब्लड कैसे आया, जब लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, एसएनओ ने फिर से फायर किया, लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो हमारा ब्लड कहां आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आ गया, क्योंकि एवी वॉल्व तो ओपन थी। तो हमारा ये जो आप ऑरेंज लाइन देख रहे हैं प्रेशर की, इट मींस हमारा एट्रियम में क्या हो रहा है, एट्रियम में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, एट्रियम में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा 1/3 ब्लड जो बचा हुआ था वो भी हमारा किसमें आ गया है, वेंट्रिकुलर में आ गया है। ओके, इसमें कॉन्ट्रेक्शन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, इसकी स्मॉल पीक है बिकॉज इसका जो प्रेशर होता है वो कम होता है, क्योंकि ब्लड जस्ट एट्रियम से वेंट्रिकुलर में जाना है, वेंट्रिकुलर से बाहर जाना होता है दूर तक, कहां पे, फुल बॉडी में, तो इसलिए उसका प्रेशर ज्यादा होता है। तो हमारा इसका प्रेशर कम होता है, इसलिए इसकी जो वेव है वो भी छोटी है, प्रेशर कम है। ओके, अब पहले इसमें कॉन्ट्रेक्शन हुआ फिर रिलैक्सेशन हो गया, पहले इसमें कॉन्ट्रेक्शन हुआ फिर रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हो गया, इतने हमारा ग्रीन वेव आ गई, इट मींस वेंट्रिकुलर ने भी कॉन्ट्रेक्शन लेना स्टार्ट किया, वही वेव वही स्टार्ट हो गई साइकिल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन लेना स्टार्ट हो, ऊपर एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगी, एवी वॉल्व क्लोज क्यों हो जाएंगी, जिससे कि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, फिर हमारा 80 प्रेशर जाएगा, 80 प्रेशर जाएगा तो हमारा आउटिक वॉल्व ओपन हो जाएंगी, आउटिक वॉल्व ओपन हो जाएंगी, आउटिक वॉल्व ओपन हो जाएंगी, तो हमारा ब्लड का फ्लो वेंट्रिकुलर से होल बॉडी में चला जाएगा। तो समझ आया ये? तो हमारा यहाँ पे पहले इस जगह पे क्या हुआ, इस जगह पे हमारा एट्रियम का कॉन्ट्रेक्शन हुआ, बट हम समझने के लिए, जिससे कि हम कार्डिक साइकिल अच्छे से समझे, इसलिए हम कार्डिक साइकिल हमेशा स्टार्ट करते हैं जब एवी वॉल्व क्लोज होती है। तो हमारा एट्रियम में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, अब जैसे ही वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो हमारा एवी वॉल्व क्लोज होंगी, प्रेशर बढ़ेगा, आउटिक वॉल्व ओपन होंगी, ब्लड बाहर जाएगा, जब हमारा 120 प्रेशर पहुंच जाएगा तो वो कम होने लगेगा, फिर हमारा 100 पहुंच जाएगा तो आउटिक वॉल्व क्लोज हो जाएंगी, आउटिक वॉल्व क्लोज हो जाएंगी तो हमारा रिलैक्सेशन होता रहेगा, फिर हमारा कुछ ब्लड जो है इतने इकट्ठा हो चुका है लेफ्ट एट्रियम में, एकदम से हमारी एवी वॉल्व ओपन होंगी तो वो धपाक से गिरेगा, और हमारा 1/3 ब्लड जो है वो डायरेक्ट आएगा, क्योंकि एकदम से आ रहा है तो वो डायरेक्ट गिर जाएगा, और हमारा 1/3 ब्लड जब आएगा जब एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन लेंगी। तो ये जो हमारे माइंड में मिथ होता है कि जब हमारा एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन लेंगी जब ही हमारा ब्लड वेंट्रिकुलर में आएगा, ऐसा नहीं होता, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड आ जाता है, हाफ से ज्यादा ब्लड आ जाता है वेंट्रिकुलर में, एट्रियम के कॉन्ट्रेक्शन लेने पर तो सिर्फ 1/3 ब्लड आता है वेंट्रिकुलर में। ये थी हमारी कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड लेती है परफॉर्म होने में, मींस ये फुल प्रोसेस 0.8 सेकंड में परफॉर्म हो जाता है। ये थी हमारी कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल का जो टाइम होता है वो 0.8 सेकंड होता है, 800 मिलीसेकंड होता है, 800 मिलीसेकंड में ही हमारा एट्रियम का वेंट्रिकुलर का सिस्टॉल भी हो जाता है, डायस्टॉल भी हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रेक्शन भी हो जाता है, रिलैक्सेशन भी हो जाता है। एट्रियम सिस्टॉल जो होता है वो 0.15 सेकंड का होता है, एट्रियम डायस्टॉल 0.65 सेकंड का होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल 0.3 सेकंड का होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल 0.5 सेकंड का होता है, और हमेशा एट्रियल सिस्टॉल और डायस्टॉल मिला के 0.8 सेकंड के होते हैं, और वेंट्रिकुलर सिस्टॉल और डायस्टॉल मिला के 0.8 सेकंड के होते हैं। हमारे ये दोनों साइड साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रहा है, दोनों साइड साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रहा है, तो इट मींस टू कार्डिक साइकिल परफॉर्म हो रही है 1.6 सेकंड में, इट मींस एक कार्डिक साइकिल परफॉर्म हो रही है 0.8 सेकंड में। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है CSIR में कि हमारा इन चारों में से सबसे ज्यादा टाइम टेकन कौन सा है, सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है हमारा एट्रियल डायस्टॉल, एट्रियम डायस्टॉल सबसे ज्यादा टाइम लेता है, 0.65 सेकंड लेता है हमारा, और हमारा हमेशा ध्यान रखना कि हमारा एट्रियम सिस्टॉल और डायस्टॉल मिला के 0.8 सेकंड लेते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल और डायस्टॉल मिला के 0.8 सेकंड लेते हैं। अब ये जो प्रोसेस हमने इस साइड पढ़ा वो प्रोसेस इस साइड भी हो रहा है, ये जो प्रोसेस इस साइड पढ़ा हमने कि लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड आया फिर फ्लो हो गया, ये सेम प्रोसेस हमारा राइट साइड भी हो रहा है, बट राइट साइड जो प्रेशर है ना वो डिफरेंट है, राइट साइड प्रेशर डिफरेंट है। बात वही है कि हमारा राइट साइड भी हमारा वेंट्रिकुलर का प्रेशर ज्यादा होगा, एट्रियम का कम होगा, लेफ्ट साइड भी हमारा वेंट्रिकुलर का प्रेशर ज्यादा होगा, एट्रियम का कम होगा, हमेशा यही होगा क्योंकि वेंट्रिकुलर को ब्लड का फ्लो दूर तक करना है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर को सबसे ज्यादा दूर तक करना है, उसको कहां तक करना है, फुल बॉडी में करना है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकुलर का होता है, राइट वेंट्रिकुलर का उससे कम प्रेशर होता है, देखते हैं कितना कितना प्रेशर होता है। सो हमारा सबसे ज्यादा प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकुलर का होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर 120 प्रेशर लेता है, मैक्सिमम प्रेशर उसमें 120 जाता है, राइट वेंट्रिकुलर में 25-30 जाता है, लेफ्ट एट्रियम में 7-8 जाता है, राइट एट्रियम में 4-6 जाता है। मींस यदि हम हमारा लेफ्ट लेफ्ट साइड का देखें
तो हमारा ज्यादा किसका है, वेंट्रिकुलर का है, एट्रियम का कम है। राइट राइट साइड देखें तो ऑब्वियसली एट्रियम का कम है और वेंट्रिकुलर का ज्यादा है, क्योंकि वेंट्रिकुलर को ब्लड का जो फ्लो है वो दूर तक करना है, एट्रियम को जस्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड पहुंचाना है। ओके। और लेफ्ट के लिए हमने कंडीशन क्या बताई थी कि 80 प्रेशर जो होता है वो मैक्सिमम होता है जब aortic वॉल्व ओपन हो जाती है। ऐसे ही हमारी राइट के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है 8 प्रेशर की। 8 प्रेशर हमारा मैक्सिमम होता है जब हमारा पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो जाती है, इट मीन्स aortic वॉल्व ओपन होने के लिए, aorta के लिए, aortic वॉल्व ओपन होने के लिए, SL वॉल्व ओपन होने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर का मैक्सिमम प्रेशर चाहिए होगा 80। बट राइट वेंट्रियम में हमारा पल्मोनरी वॉल्व, SL वॉल्व ओपन होने के लिए मैक्सिमम प्रेशर चाहिए होगा 8। ये डिफरेंस होता है। सो इसमें हमारा प्रेशर का डिफरेंस होता है, अदरवाइज साइकिल सेम चलती है। पहले हमारा एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन लेता है, फिर हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन लेता है, फिर दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, फिर एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन लेता है, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन लेता है। और यहाँ पे माइंड में रखने वाली बात यह है कि हमारा एट्रियम से वेंट्रिकुलर में ब्लड आ रहा है वो सिर्फ एट्रियम के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से नहीं आ रहा है, वो हमारा 3 फेसेस में आ रहा है। फर्स्ट रैपिड फ्लो, सेकंड डायस्टेसिस, थर्ड एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन। सो 1/3 ब्लड ही हमारा एट्रियम कॉन्ट्रेक्शन की वजह से वेंट्रिकुलर में आता है। ये थी हमारी कार्डिक साइकिल।